भाई साहब पाकिस्तान के स्टेडियम सब जानते हैं कि भाई स्टेडियम के मामले में तो पाकिस्तान दुनिया का नंबर वन है। हमने हिंदुस्तान को तो ऐसे पीछे छोड़ दिया भाई। हिंदुस्तान तो ये अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम और ये सब कुछ क्या है, हम आपको बताते हैं कि भाई इनकी कैपेसिटी क्या है और स्टेडियम किस हालत में है। आप देखेंगे आपकी टांगे ना काम जाए तो आप बताइएगा। हमारे स्टेडियम का हाल ना बांग्लादेश से भी गए गुजरा, इंडिया से कंपेरिजन नहीं भाई। मैं यार इंडिया के साथ तो करो ही ना, इंडिया भाई बाप है, क्रिकेट में भी बाप है, खिलाड़ियों में भी बाप है, स्टेडियम में भी बाप है। हमारे पाकिस्तान में ना चार स्टेडियम है, चारों को मिला लो ना ठीक है, नरेंद्र मोदी का स्टेडियम वो इनसे बहुत ज्यादा बढ़िया है। लखनऊ का स्टेडियम देख लें जो सफेद हिस्सा है वो आपको सफेद ही नजर आएगा, या आप ये चेन्नई भी देख लें जो सफेद है वो आपको सफेद ही नजर आएगा, यानी प्रॉपर मेंटेन किया जाता है, सफाई की जाती है। ये कदाफी स्टेडियम की छत देखें जो मेरा ख्याल है जब जिंदगी में पहली दफा लगी होगी उसके बाद किसी ने गवारा नहीं किया कि इस छत को पेंट करा लिया जाए। आपके पास तो ग्राउंड ही नहीं है, आपके पास तो स्टेडियम ही नहीं है। तो हमारे जो स्टेडियम हैं उनका सेकंड फ्लोर है ही नहीं, वो एक ही तरह के स्टेडियम है बस, वो ऐसे ही शुरू होते हैं तो ना वैसे ही क्राउड जो है वो एक दूसरे के नीचे नीचे बैठते हैं। वो जो फर्स्ट ईयर वो सेकंड ईयर वो हमारे पास है ही नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के स्टेडियम्स का जो जो लुक है वो भी कोई खूबसूरत नहीं। गलत भी बोला, कराची सेंट्रल जेल बैठ जाओ, खाना बाहर से नहीं, ढोल नहीं, नारे नहीं, खुशियां नहीं। अबे तो भाई सेंट्रल जेल है, कुर्सियां भी जेल वाली है, और कौन बोलता है डेकोरेशन की कुर्सियां? भाई डेकोरेशन के अंदर एक्रेलिक की फाइबर की बेहतरीन कुर्सियां हो गई है, चूंकि वहां खानदान की इज्जत का मसला होता है। ये वो कुर्सियां जो चेलम में इस्तेमाल होती थी। स्टेडियम में जो लोग आए हुए थे ना मैच देखने के लिए, उनके सरों से बारिश टपक रही थी। स्टेडियम के ऊपर कोई छत नहीं है, कोई कुछ नहीं है भाई। और सबसे बड़ी बेगैरती और जलालत यह है कि लोगों को प्लास्टिक के बैग्स दिए गए, लोगों को शॉपर्स दिए गए कि अपने सर पे ओढ़ लो, अपने सर पे ओढ़ लो बारिश से बचने के लिए। ये इनकी हालत है और इनको होस्ट करनी है चैंपियन ट्रॉफी। हमारे जो स्टेडियम्स हैं उनका सेकंड फ्लोर है ही नहीं, वो एक ही तरह के स्टेडियम है बस, वो ऐसे ही शुरू होते हैं तो ना वैसे ही क्राउड जो है वो एक दूसरे के नीचे नीचे बैठते हैं। वो जो फर्स्ट ईयर वो सेकंड ईयर वो हमारे पास है ही नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के स्टेडियम्स का जो जो लुक है वो भी कोई खूबसूरत नहीं। और हमें हमें यह एतराफ करना चाहिए, इंडिया मैं अभी वर्ल्ड कप इंडिया में कवर करके आया हूँ, मैंने चेन्नई का स्टेडियम देखा, बेंगलोर का उनका वही पुराना तर्ज का स्टेडियम है, बाकी उन्होंने आउटस्टैंडिंग अपने स्टेडियम बना लिया। इनफैक्ट श्रीलंका का जो स्टेडियम है कोलंबो प्रेमदासा स्टेडियम वो भी बहुत कमाल का है। तो प्राइवेट लीग्स जो है उनके आने से पैसा आया बोर्ड के पास, उन्होंने अपने स्टेडियम को अपग्रेड किया और हमारे जो स्टेडियम थे वो वैसे के वैसे ही पड़े हुए थे। तो अब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान के स्टेडियम्स को अपग्रेड किया जाएगा। कजाफी स्टेडियम, आपको पता है कजाफी स्टेडियम आज से 50-60 साल पहले यहाँ देसी कुश्तियां होती थी। सीटों में बैठते हो जाके ऐसे लगता है कोई जंगल वाला माहौल है, अजीब वो जालियां लगी हुई हैं, मतलब कोई मरम्मत नहीं करनी, कोई चीजें ठीक नहीं करनी, कोई खाने का इंतजाम नहीं, कोई कुछ भी नहीं कि जिसकी वजह से बंदे मैच देखने जाए। अपने दूसरे ग्राउंड्स में देखो लोग जाते हैं, वहां खाना मिलता है, हर चीज मिलती है, रिफ्रेशमेंट होती है, ठीक है। ये कदाफी स्टेडियम की छत देखें जो मेरा ख्याल है जब जिंदगी में पहली दफा लगी होगी उसके बाद किसी ने गवारा नहीं किया कि इस छत को पेंट करा लिया जाए। पूरे पाकिस्तान में कोई एक्स क्रिकेटर, कोई भी क्रिकेट पे बात करने वाला, किसी ने कभी ये पॉइंट रेज नहीं किया। और मैंने ठान ली है कि मैं यहाँ अपने प्लेटफॉर्म पे आवाज उठा के कदाफी स्टेडियम की छत पे पेंट करा के रहूंगा। और मेरे जैसे लाखों क्रिकेट फैन हैं जिनको कंसर्न आता है, जिनको कंसर्न होता है जब पाकिस्तान का मैच चल रहा हो या पीएसएल का मैच चल रहा हो और ड्रोन शॉट आए खूबसूरती दिखाने के लिए और किसी को वो छत वाली गंदगी नहीं दिखती। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जितने भी ऑफिसेज हैं ना, जितने भी हाई ऑफिशियल्स हैं, इनके जो दफ्तर हैं, इनके जो ऑफिस हैं, वो कजाफी स्टेडियम के हेडक्वार्टर्स के अंदर हैं। यानी एक जो जानवर होता है ना वो भी जब बैठता है तो साफ करके बैठता है कि मैं गंदगी के ऊपर ना बैठूं। और कितने सालों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाई ऑफिशियल्स जिनकी 15-15 लाख, 12-12 लाख, 18-18 लाख तनख्वाहें हैं, वो इस गंद में जाके बैठते हैं। हमारे स्टेडियम का हाल ना बांग्लादेश से भी गए गुजरा, इंडिया से कंपेरिजन नहीं भाई। मैं यार इंडिया के साथ तो करो ही ना, इंडिया भाई बाप है, क्रिकेट में भी बाप है, खिलाड़ियों में भी बाप है, स्टेडियम में भी बाप है। हमारे पाकिस्तान में ना चार स्टेडियम है, चारों को मिला लो ना ठीक है, नरेंद्र मोदी का स्टेडियम वो इनसे बहुत ज्यादा भारी है। देखो इंडिया के बंगलोर को देखो, बंगलोर स्टेडियम देखो ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम देखो यार, ये पता चल रहा है कि यार कुछ स्टेडियम है, इंटरनेशनल स्टेडियम लग रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पे चैंपियन ट्रॉफी होनी चाहिए तो गलती से अगर ड्रोन उड़ के ऊपर चला गया तो ये चीज दिखाएंगे यार ड्रोन। मैं कहता हूँ ये ड्रोन यार, हमारे यहाँ पे जो मैचेस होते हैं आपने कभी कोई भी मैच में देखा ड्रोन ऊपर लेके गए? क्यों क्यों नहीं लेके गए? उनको पता ऊपर लेके गए हमारी जलालत है। रावलपिंडी का स्टेडियम है, बहुत बड़ा स्टेडियम है ना, 15,000 की कैपेसिटी वाला स्टेडियम है, मैं आपको बताऊं, जिसके अंदर मतलब भाई ना अभी तक छत है ना कुर्सियां हैं, इसके अंदर अभी पीएसएल के मैचेस भी करवा रहे हैं हम लोग। ये पिंडी का स्टेडियम है, अगर आप देखते हो ऊपर से तो भाई ये पिंडी का स्टेडियम आपको नजर आ रहा है, जिसके अंदर अभी तक कुर्सियां भी नहीं है भाई, इसके अंदर हम जो है मैचेस करवाते हैं पीएसएल के, और ऑस्ट्रेलिया को हमने इसके अंदर मैच खेला था। अभी ऑस्ट्रेलिया वालों को पता नहीं क्या बदबू वगैरह नहीं आई उनको, बदबू उनको पता नहीं चला क्या ये क्या हमारे साथ प्रैंक हो रहा है, सारा चूतियों वाले स्टेडियम में तुमको खिला दो रावलपिंडी में। अबे कोई अच्छा सा बना लो भाई, नहीं बनाना था तो भाई पांव पड़ जाओ हिंदुस्तान के, कर्जा वर्जा ले लो मोदी से। लानत है पीसीबी पे, लानत भेजता हूँ मैं ऐसी क्रिकेट बोर्ड पे, ठीक है। सबसे पहले तो ना ये मैं भेजता हूँ भाई, ये जितने भी एक्स क्रिकेटर है ना, ये जो पेशा पेशी करते रहते हो, इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है, ये उनको छोड़ दो, वो ऊपर है, वो आगे है, वो बाप है, अपनी तरफ आओ। रात को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच था पिंडी में, और जो बेस्टी
जो इंसल्ट फिर एक बार पाकिस्तान की हुई है पूरी वर्ल्ड क्रिकेट में, मुझे लगता नहीं है कि इतनी किसी की हो रही है। ठीक है, बारिश एक कुदरती काम है, वो आएगी, लेकिन आप उसके लिए अपने इंतजाम फुल रखो। किया क्या गया था, जो अंदर फैंस बैठे हुए थे, टिपिकल शादी वाली कुर्सियों के ऊपर जो फैंस बैठे हुए थे, मतलब वो तो बैठे हुए थे, शादी वाली कुर्सियां लगी हुई थी, और पाकिस्तान की बेइज्जती का एंड लेवल हो रहा था पूरी दुनिया में। फिर जब बारिश आई है तो फैंस के जो है ऊपर छत तो नहीं था, रूफ तो लगे नहीं थे, फिर क्या किया गया, प्लास्टिक के शापर, प्लास्टिक के शापर जो होते हैं ना, शापर जो गांव में या विलेजेस में कच्चे घरों के ऊपर डाले जाते हैं, मट्टी के जो घर है उनके ऊपर जो डाले जाते हैं शापर जो होते हैं, प्लास्टिक के बैग्स, ठीक है, वो फैंस को दिए गए हैं कि उनके ऊपर आप सर उनको अपने सर के ऊपर रख लो और बारिश से बचो। ये पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के स्टैंडर्ड है, ये पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के लेवल है। मैं दिल कर रहा था पकड़ के बजा दूं एक एक को, मेरा दिल कर रहा था पकड़ के एक एक को बजा दूं, पकड़ के मत काटू ना, डंडा दे देना मैंने अंदर घुसा देना, ये कौन सा लेवल है। नहीं, ये चैंपियंस ट्रॉफी एन ग्राउंड है, चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है इन्हीं ग्राउंड में, चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है, शर्म कर लो, थोड़ी सी हया कर लो। कराची का नेशनल स्टेडियम है, शुक्र है उसकी पीएसएल के अंदर छत साफ कर दी गई है, अब जब ड्रोन कैमरे के ऊपर से शॉट आता है तो थोड़ी सी बेहतर दिखाई देती है। 32,000 उसकी कैपेसिटी है, लेकिन उस स्टेडियम के अंदर भी गुंजाइश है, अगर आप उसका सेकंड फ्लोर बना देंगे फैंस के बैठने का, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, तो उसके अंदर ये देखें, ये स्टेडियम की मैंने खुशी खबर दी है कि हमारे यहाँ, क्योंकि स्टेडियम माशाल्लाह सवाई मुल्तान स्टेडियम के और किसी की लुक नहीं है, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर जो होने जा रही है, तो पाकिस्तानी जो है मुझे फूल पकड़ा दिया, मेरे एक दोस्त ने कहा कि शुक्र है कि इस मुल्क के अंदर स्टेडियम भी अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, आप न्यूजीलैंड जाओ, न्यूजीलैंड में तो खैर ग्रासी स्टेडियम है सारे, आप इंग्लैंड या कहीं किसी और मुल्क जाओ तो आपकी आंखें खुल जाती हैं, और हमारे पास जो स्टेडियम है माशाल्लाह वो देसी कुश्ती के पहलवानों के अखाड़े बने हुए हैं। जहां तक पिंडी स्टेडियम की बात है, पिंडी 15,000 कैपेसिटी का ग्राउंड है, वो स्टेडियम बना ही नहीं है, वो अब उसको स्टेडियम बनाना है, वो नेशनल स्टेडियम को और कजाफी स्टेडियम को, इनको क्योंकि इनका जो पुराना स्ट्रक्चर है वो ऐसा बेढंगा सा स्ट्रक्चर है, उसको ठीक करते करते बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन क्योंकि हमारे पास एक साल है, अभी एक साल के अंदर पाकिस्तान अगर अपने स्टेडियम को बेहतर कर लेता है, जितनी भी क्रिकेट आपने लोकल खेलनी है वो आप देखें, हमने फैसलाबाद का स्टेडियम खराब किया हुआ है, हमने हैदराबाद का स्टेडियम हमने खराब किया हुआ है, शुक्र है कि पिशावर का स्टेडियम जो है उसकी अपग्रेडेशन स्टार्ट हो गई है, क्वेटा के अंदर बुगटी स्टेडियम के अंदर मैचेस हो सकते हैं, हमें बाकी स्टेडियम्स के अंदर ग्राउंड्स के अंदर जाकर मैचेस करवाने चाहिए, ताकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये वाले तीन स्टेडियम अपग्रेड हो जाए, और इसका ये फायदा होगा कि आईसीसी के जब लोग इंस्पेक्शन करने आएंगे तो उनको अच्छा लगेगा, जब टीमें यहां पर आएंगी तो उनको और बेहतर लगेगा कि पाकिस्तान के अंदर फैसिलिटीज क्रिकेट की बेहतर होगी। इंडिया के लेवल का स्टेडियम बना सकते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम, 1,37,000 बंदा बैठता है वहां पे, मेरा ख्याल इधर 37,000 की भी नहीं है अपना रेंज, अगर है तो वो भी एक दूसरे की जोड़ियों में बैठना सबने, ठीक है, जैसे हालात है ना, कुर्सियां ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि हम पूरे मुल्क में मैच करवाएंगे चैंपियन ट्रॉफी, भाई ये चैंपियन ट्रॉफी है। पाकिस्तान के स्टेडियम की वैल्यू इंडिया के स्टेडियम से कुछ भी नहीं है, मैं खुद पर्सनली दो स्टेडियम जा चुका हूं पाकिस्तान के, कराची के और लाहौर के, और यार जब मैंने अंदर जाकर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह देखे यार इतना गंदा, सीटों को देखो, सीटें टूटी हुई है, प्लास्टिक की गंदी कुर्सियां है, ना ऊपर कोई पेंट, ना कुछ, गंद से भरी हुई है, और अगर छतों को देखो ना छतें रेनोवेट हुई है ना कुछ हुआ, गंद से भरा होता है स्टेडियम, पिच की कंडीशन देखो वो भी इतनी बुरी, स्पेशली रावलपिंडी के स्टेडियम की, ठीक है, उनकी पिच को देखो वहाँ पे भाई आराम से 300 के पास स्कोर जा रहा होता है, ये कोई स्टेडियम होते हैं, दूसरी तरफ हम इंडिया के स्टेडियम देखे, पाकिस्तान के स्टेडियम आपने देखे, कुर्सियों में पेंट ही नहीं है, फाइन कुर्सियों में पेंट ही नहीं है, नहीं है भाई छतें रेनोवेट होने वाली है, सही है भाई ने बात की है, और चलो खैर सीटों का तो छोड़ो, ग्राउंड रेनोवेट होने वाली है, ग्राउंड के खड्डे देखे हैं आपने, इन लोगों का यहाँ पर जब भी जब कोई मैच आना हो तो या कोई पीएसएल होना हो तो तभी ये लोग रेनोवेट वगैरह करवाते हैं, अदरवाइज ये लोग रेनोवेट भी नहीं करवाते। तो नरेंद्र मोदी वाला स्टेडियम इससे आउट क्लास बना हुआ है। अच्छा। तो यार आप स्टेडियम का ना ही कंपेयर करो, अच्छी बात, देखो आप उनके साथ कंपेयर नहीं किसी चीज को करो, अब आपको पता चैंपियन ट्रॉफी क्या रोला पड़ा पाकिस्तान में, क्यों नहीं इस वजह से नहीं, आपको स्टेडियम में है क्या, आपके स्टेडियम इतने जोगे ही नहीं कि आपको कोई कर सके, आप मुझे बताएं नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा स्टेडियम है इस टाइम, और वहाँ पे आप जिस तरह उन्होंने आउटलुक रखी हुई है इसकी, आउटस्टैंडिंग बनाया हुआ है सर, उस तरह के हम नहीं बना सकते स्टेडियम, लास्ट टाइम आपने देखा हमारे मैचेज नहीं हो रहे इस वजह से नहीं हो रहे, क्योंकि हमने हमारे स्टेडियम ने काम नहीं किया, स्टेडियम हमने हर चीज़ में जब सियासत लेके आए तो फिर तो यही काम होने है।